होली के मद्देनजर हरिद्वार के एसएसपी के निर्देश पर जो संवेदनशील जगहें हैं वहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया। त्योहार के मौके पर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी भी दी कि गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि हरिद्वार के थाना पथरी अंतर्गत गांव धनपुरा में होली के मौके पर कई बार माहौल खराब होने के कारण इस बार सतर्कता बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर रविवार को ज्वालापुर कोतवाली पुलिस और पीएसी के जवानों ने एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय और एसएसपी आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकालकर सभी से एसएसपी हरिद्वार ने अपील की कि होली के दिन किसी भी तरह की गड़बड़ी न करें। ये जिले में हमारे पास जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे पास 4 कंपनी सीपीएमएफ है, इसके अलावा जो हमारा ऑफिसेस में तैनात फोर्स है उसको भी इस दौरान थाने को दे दिया जाएगा। इसके अलावा जितने हमारे सीओज हैं, एसएचओज हैं, एसएसआईज हैं, ये सारे के सारे दौरान गश्त पे रहेंगे और कोई भी अगर सूचना मिलती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो होलिका दहन की जाती है तो हर एक होलिका पर कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई गई है और कांस्टेबल्स को ही उसका इंचार्ज बनाया गया है ताकि कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना करे जो कि विधि विरुद्ध हो। पथरी थाना क्षेत्र है वहां पर पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है, वहां पर लगातार हमारे द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। जो एस पी देहात हैं उनके द्वारा वहाँ पर विभिन्न गाँवों की मीटिंग्स ली गई थी और वहाँ पर लोगों को समझा भी दिया गया है और अगर कोई हुड़दंग करता है तो उससे बड़े सख्ती से निपटा जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो आईपीसी के मुकदमे और निरोधात्मक कार्रवाई भी इस पर की जाएगी ताकि जो पब्लिक है वो शांति से होली मना सके। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।